नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट आ रही है शिक्षा विभाग की तरफ से, जो कि जो भी छोटा छोटा या छोटा मोटा जो भी कहिए, बड़ी छोटी जो भी अपडेट आते रहता है शिक्षा विभाग की तरफ से, या बिहार के 3800 जिलों के जो DO और DPO उनके तरफ से जो लेटर जारी होता है, हर एक पे एक वीडियो बना के आपको अपडेट देते रहते हैं ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। आज भी भगवा कैमूर की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है और उसमें बताया गया है, जैसे आपके आपको पता चल रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, तो उसमें कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो गलत तरीके से नियोजन करवा लिए हैं। जैसे मान लिया कोई शिक्षक ऐसे हैं जिनका मान लिया 82 में पास, अगर OBC कैंडिडेट हैं 82 में पास है लेकिन उनका 79 नंबर आया है, उनका काउंसलिंग हो गया है, काउंसलिंग तो हुआ होगा उस स्तर पे, जो कर्मचारी नियोजन इकाई किए होंगे तो पैसा लेके किए होंगे कि आगे सब डील हो जाएगा, लेकिन अब वो छटते जा रहे हैं, इसलिए शिक्षा विभाग की तरफ से लेटर निकाला। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो दिसंबर में पास किए हैं और उनका नियोजन कर लिया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो फर्जीवाड़े के रूप में आए, उनका डॉक्यूमेंट कुछ पता नहीं चल रहा है, और इस तरह से जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य किया जा रहा है तो उसमें वो छटते जा रहे हैं। यानी कि अब शिक्षा विभाग की तरफ से स्पष्ट निर्देश आ रहा है कि अब फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा और फर्जीवाड़ा को इस बहाली में इन नहीं कर पाएंगे। तो जो लेटर जारी हुआ उसी लेटर पे एक वीडियो हम लेके आए हैं ताकि आप लोग वीडियो को देखिए और हर एक ग्रुप हर एक जगह शेयर कीजिए ताकि उससे पता चल सके कि किस शिक्षा विभाग में यानी कि DO और DPO के स्तर से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है उसमें इसी तरह से काम चालू हो और इसी तरह से लेटर निकालते रहे कि हमारे एरिया में कितने कैंडिडेट शिक्षक या फर्जीवाड़ा पाया गया है। तो और भी कोई छोटा मोटा अपडेट आएगा तो वो अपडेट हम लेके जरूर आएंगे। फिलहाल ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर कीजिए और हर एक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। देखिए, आज भी शिक्षा विभाग की तरफ से एक लेटर निकाला गया है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी कैमूर भगवा की तरफ से, और इस लेटर में क्या कहा जा रहा है देख सकते हैं। कार्यालय आदेश स्थापना शाखा की तरफ से इस लेटर में ऐसा क्या कहा जा रहा है कि आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप नियुक्ति पद का वेट कर रहे हैं तो नियुक्ति पद से रिलेटेड कोई खबर आती है तो ये खबर भी आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप तीसरे चरण के काउंसलिंग से वेट कर रहे हैं, तीसरे चरण के काउंसलिंग करवाने के लिए सोच रहे हैं तो ये लेटर भी आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस लेटर में ऐसा क्या लिखा हुआ है, किन बातों का जिक्र किया हुआ है जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन कर लीजिए प्रेस, ताकि बिहार शिक्षक नियोजन से रिलेटेड कोई भी बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और जो लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक कर लीजिए, अन्यथा भावनाओं में बह जाइएगा और लाइक करना भूल जाइएगा। देख सकते हैं कैमूर जिले में छठे चरण का नियोजन विभागीय निर्देशानुसार विभिन्न तिथियों में कराई गई। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि 94,000 शिक्षक बहाली जो हुआ है वो कई तिथियों में हुआ है। विभागीय पत्रांक 621 दिनांक 3/7/2021 के आलोक में, यानी कि 3/7/2021 को जो लेटर जारी हुआ है वो लेटर 621 उसके अति में कहा जा रहा है, आलोक में कहा जा रहा है कि सभी चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों को शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए वेब पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश प्राप्त था। यानी कि सचिवालय की तरफ से लेटर निकाला गया था, उसमें कहा गया था कि जितने भी चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं सबका जो डॉक्यूमेंट है उसको वेब पोर्टल पर अपलोड किया जाए, जिसके आलोक में सभी चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के वेब पोर्टल पर अपलोड किया गया। जब ये निर्देश निकाला गया तो हर एक शिक्षा विभाग की तरफ से उस डॉक्यूमेंट को वेब पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया। अब आगे क्या कहा जा रहा वो देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि पुनः विभागीय निर्देशानुसार सभी चयनित अभ्यर्थियों के जो चयनित हो गए हैं, स्पेशल हम कैमूर भगवा की बात कर रहे हैं क्योंकि ये लेटर वहाँ से निकला है तो उन्हीं के लिए हम बात कर रहे हैं कि जो विभागीय निर्देशानुसार सभी चयनित अभ्यर्थियों को CTET या STET का प्रमाण पत्र विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई CD या पेन ड्राइव एवं डिजी लॉकर से जांच किया गया
उक्त जांच हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी कैमूर भभुआ के पत्रांक 10-13 या प्रश्न दिनांक 23/11/2021 द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना कैमूर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। जी हाँ, जो डॉक्यूमेंट उन्होंने दिए हैं उनको अथी करने के लिए, चेक करने के लिए एक समिति का गठन कर दिया गया है और समिति के जांच में स्थिति निम्बत पाई गई। क्या निम्बत पाई गई है वो हम आपको बता देते हैं। पहला है तुलिका राज, ये कैंडिडेट का नाम है जिनका शायद सिलेक्शन हो गया होगा, उनका है तुलिका राज, पिता सुनील कुमार, इनका सीटेट रोल नंबर 1950821037 का नियोजन इकाई ग्राम पंचायत मीव प्रखंड भभुआ द्वारा ओबीसी कोटी में किया गया है। अभ्यर्थी तुलिका राज का सीट इन में 79/150 यानी कि 150 में 79 नंबर पाया गया, जो बिहार सरकार शिक्षा विभाग के अधिसूचना ज्ञापन 621 दिनांक 3/7/2021 के आलोक में अनुत्तीर्ण की श्रेणी में आता है, अतः इनका नियोजन नियमानुकूल नहीं किया जा सकता। देखिए, नियोजन कर्मी जो गलती किए हैं, जो पैसा लेके इन कैंडिडेट का सिलेक्शन किए हैं, अब यहाँ से छटाई हो रहा है नियम के अनुसार। अब यहाँ पे कैटेगरी, हाँ कैटेगरी तो दिया हुआ, तो कैटेगरी ओबीसी है तो इनको 82 नंबर चाहिए, इसलिए ये यहाँ से छट गए, एक कैंडिडेट का सीट यहाँ से खाली हो गया। दूसरा है अनियामका सिंह, पिता अमरनाथ सिंह, सीटेड रोल नंबर इनका है 1951082 का नियोजन इकाई ग्राम पंचायत कोलुआ प्रखंड अधौरा द्वारा समान कोटि में किया गया, यानी कि जनरल में इनका सिलेक्शन हो गया है। अभ्यर्थी अनामका सिंह का सीटेट में 79/150 यानी कि 150 में इतना नंबर पाया गया है, जो बिहार सरकार शिक्षा विभाग के अधिसूचना ज्ञापन संख्या 621 दिनांक 3/7/2021 के आलोक में अनुत्तीर्ण की श्रेणी में आता है, अतः इनका नियोजन नियमानुकूल नहीं किया जा सकता, ये भी बाहर है। इनका सिलेक्शन जी जनरल में हुआ है। ऐसे भी अगर महिला कोई भी कैंडिडेट हो तो एससी एसटी को छोड़ा के उनको 82 नंबर यानी कि 82 नंबर से ऊपर होना चाहिए। तीसरा क्या कहा जा रहा है कि तीसरा कुमारी नीतू कुमारी पिता बलस्टर यादव, सीटेड रोल नंबर 1951510618 का नियोजन इकाई ग्राम पंचायत गोई प्रखंड चांद में ओबीसी कोटी में किया गया है। डीजी लॉकर से जांच के दौरान पाया गया कि अनुक्रमांक पर किसी अन्य अभ्यर्थी का नाम दर्ज है। स्पष्ट है कि कुमारी नीतू कुमारी द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजन का लाभ लिया गया है, अतः इनका नियोजन नियमानुकूल नहीं किया जा सकता, यानी कि ये फर्जी कैंडिडेट है और ये फर्जी पाए गए हैं। चौथा पॉइंट में क्या कहा जा रहा है वो देख लेते हैं। संतोष कुमार, पिता राम सूरत राय, बीटेट रोल नंबर 7601117152 का नियोजन प्रखंड नियोजन इकाई चैनपुर द्वारा किया गया। जांच के क्रम में पाया गया कि अंक पत्र में इनके द्वारा दर्शाया गया अंक गलत है तथा ये अनुत्तीर्ण है, अतः स्पष्ट है कि संतोष कुमार द्वारा प्रमाण पत्र में छेड़छाड़ कर नियोजन का लाभ लिया गया है, अतः इनका नियोजन नियमानुकूल नहीं किया जा सकता, यानी कि ये भी कैंडिडेट यहाँ से छट गए। पांचवा है जागृति सिंह, पिता कृष्णा सिंह, सीटेड रोल नंबर इनका 20803565 का नियोजन ग्राम पंचायत नियोजन इकाई तरह था प्रखंड नुआव द्वारा नियोजन किया गया है। इनके सीटेड प्रमाण पत्र से स्पष्ट है कि इनके द्वारा 8/12/2019 को हुई परीक्षा में पास किया गया है। विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में दिसंबर माह में आयोजित हुए सीटेट की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों का नियोजन छठे चरण में नहीं किया जाना है। इनके द्वारा निर्धारित तिथि तक अर्हता पूरी नहीं की गई, यानी कि दिसंबर सीटेट कैंडिडेट हैं, उनका काउंसलिंग भी हो गया, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, लेकिन जब मेन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आते हैं तो यहाँ पर इनको छटा जा रहा है, क्योंकि ये दिसंबर में पास किए हैं, अतः इनका नियोजन नियमानुकूल नहीं किया जा सकता। उक्त के आलोक में संबंधित नियोजन इकाई को निर्देश दिया जाता है कि उक्त अभ्यर्थियों का नियोजन रद्द करते हुए विधि संबद्ध कार्रवाई
की जाए। तो विभाग की तरफ से एक देखिए जिला शिक्षा पदाधिकारी कैमूर भभुआ की तरफ से लेटर निकाला गया, विभाग की तरफ से इन कैंडिडेटों को बाहर किया जा रहा। तो सोच लीजिए अगर ऐसे ऐसे ऑफिसर या शिक्षा विभाग की तरफ से ऐसे ऐसे कर्मचारी होंगे जो फेक कैंडिडेट आया हो उनको बाहर कर रहे हैं, तो कितना अच्छा लग रहा उन सही अभ्यर्थियों के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो न्यूज पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।